सवाल आपके जवाब हमारे में हमारे साथ है पायल सिन्हा मैम मैम इंस्टाग्राम से क्वेश्चन है ज्योति गंगवानी जी का और वो पूछ रही हैं शेयर टिप्स फॉर टीनेजर किड्स टैनिंग ज्योति गंगवानी इंस्टाग्राम से अच्छा आपने पूछा है कि टीनियर्स बच्चों की टैनिंग कैसे दूर करें पायल हर्बल उपटन एक बार आप दूध में मिला करके लगा दीजिए और दो दिन भी आप इसको लगा देंगे तो एक साथ एक टैनिंग हट जाएगी और अगर नहीं मानते हैं कि हम ये सब नहीं लगवाएंगे तो जो पायल हर्बल सोप है बस उससे नहा लें समथिंग इज बेटर देन नथिंग कुछ तो मिलेगा उनको हर्बल बस बच्चों से पूरी कोशिश कीजिए किसी तरह केमिकल के दलदल में ना फंसे कुणाल सेनी इंस्टाग्राम से बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है और पिंपल होते हैं क्या करें सेनी इंस्टाग्राम अभी से शुरू हो जाइए एक सेब काटिए और हल्का सा बॉईल कर लीजिए और उसका जो पल्प है उसमें मुल्तानी मिट्टी मिक्स कीजिए और चेहरे पे लगा दीजिए एक नियम बना लीजिए अब एक सेब वाला आपके तीन दिन तक चल जाएगा आराम से फ्रिज में रख करके पिंपल्स के लिए है सिर्फ एक फ्रेश नीम लीजिए और उसको पीस के छान लीजिए और जैसे सपोज कीजिए तीन चम्मच रस निकल आया सिंपल पत्ती पीसा छान लिया उसी में पुदीने का उतना ही रस मिला दीजिए और एक चुटकी मुलेठी पाउडर डाल दीजिए इतनी सी बर्फ़ बना लीजिए ये आपकी पंद्रह दिन चलेगी बिंदास अब इसको लेके ऐसे फेस पे रब ना कीजिए उठा उठा के जहाँ भी पिंपल्स है सपोज़ कीजिए यहाँ पिंपल्स है यहाँ लगाइए और हटा दीजिए ऐसे करके फेस पे लगा दीजिए थोड़े दिन में आप देखेंगे पिंपल्स गायब इंस्टाग्राम से निशा मैम फेस क्रीम बनाइए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इंस्टाग्राम निशाद क्रीम हम बना चुके हैं और ऑनलाइन नहीं है लेकिन हमारे क्लिनिक पर डायरेक्ट मिलती है बिकॉज इतनी गर्मी है और उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। वो इतनी टिक नहीं पा रही थी इसलिए आसपास के एरिया में वो लोग आके डायरेक्ट ले जाते हैं सिर्फ उनके लिए क्रीम है अभी हमने क्रीम को ऑनलाइन नहीं किया है मैम आपने एक रील बनाई थी गर्मियों में हर्बल ब्लीच कैसे करें तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है लाजवंती जी का वो पूछ रही है छः से सत्रह साल की बेटियां हैं क्या वो इस हर्बल ब्लीच को लगा सकती हैं लाजवंती जी इंस्टाग्राम से टीन ईयर्स में हर्बल प्रोडक्ट का ऐसा मेरे इफेक्ट आता है वैसे मेरे कल कहीं नहीं होता है लेकिन अगर आप टीन ईयर्स से स्टार्ट कर देते हैं और बच्चों को पता ही नहीं चलता बाहर की केमिकल के केमिकल की दुनिया में क्या क्या लग रहा है कि हम भी लगा लें उन से वो दूर रहते हैं और लगातार उनके डेली सिर्फ हर्बल चीज़ें लगती हैं आप देखें कि थोड़े समय के बाद ब्यूटी कैसे दिखे उनको ना इंटरेस्ट रहेगा ना क्रेज रहेगा क्योंकि उनकी एक नेचुरल ब्यूटी परमानेंट बन चुकी होती है अंसारी इंस्टाग्राम से मैम हर्बल लड्डू को दूध में मिलाकर अप्लाई कर सकते हैं क्या नीलोफर अंसारी इंस्टाग्राम से देखिए जब कोई प्रोडक्ट बनता है जैसे हमने हर्बल लड्डू बनाया तो एकट वे था कि दही में भिगोना है लेकिन धीरे धीरे लोग यूज करते हैं और अपने अपने तरीके से यूज करते हैं लोगों ने दूध में भिगोया और उसको अप्लाई किया तो उसको हमने भी एक्सपीरियंस किया कि इफेक्ट आपका आ जाता है अच्छा पर कर्ट में बेटर रहता है खुशबू है मैम वो पूछ रहे हैं कि वो स्किन पे रात को कुछ भी अप्लाई करके नहीं सो सकती और आप अपने टिप्स में बताती हैं कि रात को अप्लाई करके सो जाइए तो ऐसे में वो क्या करें खुशबू हम आपसे ये कहना चाहेंगे नो पेन नो गेन रात में सोने के पहले क्लेंजिंग एंड रात में ऑयल लगाना मस्ट है फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन अब यहां पे थोड़ा सा आप अपने आप समझ लीजिएगा अगर वगैरह हो एक्ने हो तो उसके लिए हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन मेजोरिटी रात में अगर फेस क्लीनिंग करके रात में ऑयल लगा के सोना ही चाहिए क्योंकि ब्यूटी ऑलवेज रिकवर्स इन द नाइट पिंकी शर्मा मेरे बाल थोड़े से फ्रिजी हैं और बेबी हेयर भी बहुत ज्यादा है थोड़ा भी बाहर निकलो थोड़ी सी हवा में जाओ तो पूरे बाल खड़े हो जाते हैं इसका क्या सोल्यूशन है हाँ पिंकी शर्मा आपका बालों में एक महीने स की मेहनत कर लीजिए काला आंवला उबालिए और उसको एकदम खूब अच्छे से उबालने के बाद छान करके रख लीजिए अब इस पानी में दही मिला करके नॉर्मल अपना बाल धोइए कोई भी शैम्पू ना कीजिए आप ये देखेंगे कि सारे बाल एक एक सेट हो जाएंगे मैम रील आज ही गया था हर्बल में है दम फेशियल लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं थैंक यू आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे थैंक यू दिल से यह प्यार बनाए रखिएगा देखते रहिए सवाल आपके जवाब हमारे